वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेंड्रा एडवांस एजुकेशन. ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टडिंग मोरल वैल्यूज ऑफ क्लास थर्ड एंड दिस इज द सिक्स्थ चैप्टर. नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइफ एज रनिंग वाटर, बहते पानी के रूप में जीवन. ओके स्टूडेंट्स, हियर आर सम क्वेश्चंस. डू यू नो अबाउट ग्रेट पोइट रवि, क्या आप महान कवि रवि के बारे में जानते हैं? डिड रवि गेट प्राइज फॉर गीतांजलि, क्या रवि को गीतांजलि के लिए पुरस्कार मिला? व्हाई विल एनीवन बी रिमेम्बर्ड, किसी को भी क्यों याद किया जाता है? व्हाई डिड ही सेल हिज प्रॉपर्टी, उन्होंने अपनी संपत्ति क्यों बेच दी? ओके, द चैप्टर बिगिंस फ्रॉम हियर. रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न ऑन 7th मे 1861 एट जोरांस्को इन कलकत्ता, नाउ कोलकाता. रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में जोरांस्को में हुआ था, जो कि कलकत्ता में है और अब जिसको कोलकाता कहा जाता है. ही वॉज द 14th चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे. हिज फादर दिवेंद्रनाथ टैगोर वाज नोन एज महर्षि, उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर को महर्षि के नाम से जाना जाता था. रविंद्रनाथ वाज कॉल्ड रवि अफेक्शनेटली, रविंद्रनाथ को प्यार से रवि कहकर बुलाते थे. रवि डिड नॉट टेक अ रेगुलर एजुकेशन, रवि को नियमित रूप से जो शिक्षा थी वो नहीं मिली थी. व्हेन हिज फादर सेंड हिम टू द नॉर्मल स्कूल, जब उनके पिता ने उन्हें नॉर्मल स्कूल में भेजा, देयर ही हैड टू फॉलो स्ट्रिक्ट रूटीन, वहाँ उन्हें बहुत कड़े नियमों का पालन करना पड़ा. ही हैड टू लर्न मैनी सब्जेक्ट फॉर आवर्स, उन्हें घंटों तक कई सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे. सब्जेक्ट मतलब विषय. इवन संडेज वर नॉट फ्री फॉर हिम, यहाँ तक कि संडे में भी उन्हें आजादी नहीं मिलती थी या संडे में भी वे फ्री नहीं रहते थे. ऑन हिज रिटर्निंग टू कलकत्ता, जब वे कलकत्ता वापस आए, रवि वॉज एडमिटेड टू एसटी एक्साइवियर्स बाय देन, तो रवि को एसटी एक्साइवियर में एडमिशन दिला दिया गया. ही हैड स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री, और उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू कर दी. ही वॉज ओनली 14 ईयर्स ऑफ एज वेन ही सेंग हिज फर्स्ट पोयम एट हिंदू मेला, और उनकी उम्र केवल 14 वर्ष की थी जब उन्होंने पहली बार अपनी कविता को गाया. कहाँ पर? हिंदू मेला में. ही रोट अ स्टोरी इन वर्स एंटाइटल्ड बनफूल, उन्होंने एक कहानी भी लिखी और जिसका नाम था बनफूल. इट वॉज पब्लिश इन आनंद बाजार पत्रिका, और इसको आनंद बाजार पत्रिका में प्रकाशित किया गया. ही ऑल्सो रोट मैनी स्टोरीज पोएम्स एंड एसेज फॉर द जर्नल भारती, और उन्होंने जर्नल भारती के लिए कई बहुत सारी कहानियाँ, कविताएं और निबंध लिखे. ही लव्ड रीडिंग बुक्स, उन्हें पुस्तकें पढ़ना बहुत पसंद था. ही सेल्ड टू इंग्लैंड इन 1878 इन लंदन यूनिवर्सिटी, वे 1878 में इंग्लैंड गए. इंग्लैंड में कहा? लंदन यूनिवर्सिटी गए. ही स्टडीड इंग्लिश लिटरेचर, वहाँ उन्होंने अंग्रेजी साहित्य पढ़ा एंड म्यूजिक और संगीत सीखा. ही रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड इन 1880, और वे इंग्लैंड से लौटकर आए कब? 1880 में. ही वॉज मैरिड टू मैरिना लिनी देवी, उन्होंने मैरिना लिनी देवी से शादी की. ही रोट फोक सॉन्ग्स एंड टेल टू मेक्स, उन्होंने फोक सॉन्ग्स और कहानियाँ लिखी. ही रोट अ सॉन्ग इन बंगाली, आई लव यू बंगाल लैंड ऑफ गोल्ड, उन्होंने एक बंगाली गीत लिखा जिसकी पंक्तियाँ थी हमार सोनार बांग्ला, आई लव यू बांग्ला लैंड ऑफ गोल्ड. दिस सॉन्ग हैज बिकम द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, और यह बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया, यह गीत जो उन्होंने लिखा था. रविंद्रनाथ बिलीव दैट द प्रॉब्लम ऑफ कंट्री कुड बी सॉल्व विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, रविंद्रनाथ टैगोर का विश्वास था कि देश के अंदर फैली हुई समस्याओं को शिक्षा का प्रचार प्रसार करके ही समाधान इनका हो सकता है. ही एस्टेब्लिश्ड द स्कूल ऑन 22 दिसंबर 1901 नेम शांति निकेतन,
उन्होंने 22 दिसंबर 1901 में एक स्कूल खोला और जिसका नाम था शांति निकेतन। रनिंग ऑफ द स्कूल ही सोल्ड ऑफ सम हिज पर्सनल प्रॉपर्टी एंड वाइफ ऑर्नामेंट्स आल्सो। और इस स्कूल को चलाने के लिए उन्होंने अपनी पर्सनल जो उनकी व्यक्तिगत संपत्ति थी उसको बेच दिया और अपनी पत्नी के गहने भी बेच दिए। ही रोट द सॉन्ग जन गण मन विच बिकेम आवर नेशनल एंथम। उन्होंने एक गीत लिखा जिसकी पंक्तियां थी जन गण मन और जो हमारा राष्ट्रगान बन गया। ही ट्रांसलेटेड गीतांजलि इनटू इंग्लिश। उन्होंने गीतांजलि को इंग्लिश में अनुवाद किया। इन 1913 ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर गीतांजलि और 1913 में उन्हें नोबेल प्राइज का पुरस्कार मिला। और किस लिए? गीतांजलि जैसे साहित्य के लिए। ही विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड फॉर द सर्विस दैट ही रेंडर्ड टू द ह्यूमैनिटी और उन्होंने जो मानवता की सेवा की इसकी वजह से उन्हें हमेशा ही याद किया जाता रहेगा। ओके, द हेयर इज अ फैक्ट रेंडरिंग टू द ह्यूमैनिटी अ पोइट और अ राइटर सर्व ऑल। मानवता की सेवा करके कोई भी कवि या लेखक बहुत ज्यादा सेवा करता है और मानवता के प्रति उदार रहकर वह हमेशा याद किया जाता है। एंड ही इज रिस्पेक्टेड बाय ऑल और उसका सदा सम्मान होता है। ओके स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज कंप्लीट नाउ।